राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह एक गंभीर मामला है, भाजपा ईडी के तहत बदले की राजनीति कर रही है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ या नीति के खिलाफ बोलने के तुरंत बाद ईडी नोटिस भेजा जाता है, यह वही है जो सीबीआई शुरू में कर रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर राज्य में जांच का संचालन करना चाहती है तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी, इसलिए केंद्र अब सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वक्तव्य अनिल देशमुख ने किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना की सरकार है, इसको गिराने की कोई पार्टी की ताकत नहीं, कोई पक्ष इसको गिरा नहीं सकता। बड़ी मजबूती से, बड़ी अच्छी तरीके से तीनों पार्टी की सरकार यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ पे स्थिर सरकार हमारी है, पूरे 5 साल नहीं, उसके आगे भी हम अच्छी तरीके से काम करेंगे। हाँ, ईडी के जरिए कोई राजनेता, समझो भारतीय जनता पार्टी को भी नेता के ऊपर कोई टिप्पणी करता है या कोई भारतीय जनता पार्टी के जो धोरण है उसके ऊपर कोई टीका करता है तो उसके ईडी का नोटिस देख के उसको एक प्रकार से तकलीफ देने का काम जो हो रहा है, इस प्रकार का राजकारण कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं गया और इस प्रकार का राजकारण नहीं करना चाहिए। राजकारण करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए ईडी का उपयोग करना, ये सरासर गलत। जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है, अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि देश में ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।